फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम बांग्लादेश जा रहे हैं। 2 months ऑफ हॉलीडेज इन नेपाल, ऐसा लगा था कि हम फिर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। रिजल्ट्स आ गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग एज डॉक्टर। बांग्लादेश में हमेशा स्टूडेंट होके जा रहे थे, अब डॉक्टर होके जा रहे हैं, तो हम एक्साइटेड भी हैं क्योंकि अब लाइफ चेंज होने वाली है। और सब सामान यहाँ पे है और देख सकते हो एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। दिस इज़ द एयरपोर्ट एंड लेट्स सी, लेट्स गो टू बांग्लादेश, इनफ ऑफ नेपाल, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। और हम ये फाइनली दुआ करो अल्लाह से कि हम जल्दी जल्दी पहुँच जाए, सेफली पहुँच जाए, सेफली। लिटरली इतनी भूख लगी है हमें कि यहाँ पे खाना ही पड़ेगा। ऑल दो यहाँ सब चीज़ें डबल रेट में मिल रही है। देखो ये एक चॉकलेट है विच इज़ ऑफ 2500 एंड हम शायद हो सकता है बर्गर खाएं। लेट्स हैव द बर्गर बिकॉज हमें बहुत भूख लग गई है। सामान इतना ज़्यादा है कि अब हमारे सर के ऊपर से चढ़ गया। वो देखिए गुस्से लोग लेके भाग रहे हैं। तो गाइस अब हम इतना ज़्यादा सामान लेके जा चुके हैं, दसई में भी लोग जा रहे हैं। देखो भाई दसई शुरू हो गई है और स्टिल लोग जा रहे हैं। अब मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी और हम पानी लेंगे, देखते हैं पानी कितना। यहाँ पे लोग हैं कितने फ़ायदे उठा रहे हैं जल्दी आने के। देख ठग ले लो तरह से 16,000 रुपया ठग ले लो, खा लिए फ्लाइट। दादा बाय बाय नेपाल। जब इतने अच्छे लोग आपको सर्व करें तो खाने का मन कर जाता है। प्यास से मरी जा रही थी तो फाइनली मुझे पानी मिल गई और अब मैं इतनी बोर हो गई हूँ ना कि बैठे बैठे मुझे करने को कुछ नहीं था, तो सोचा थोड़ी सोने की कोशिश कर लेती हूँ। तो देखिए पर वो भी नहीं हो रहा मुझसे। लंता हेलो बांग्लादेश, बांग्लादेश 30 degrees Celsius মনে হচ্ছে নতুন এয়ারপোর্ট করেছে, বিকজ আই ক্যান সি দ্য হোল নিউ থিংস, আই হ্যাভ নেভার কাম ফ্রম দিস সাইড। তো দেখো কিতনি আচ্ছি লাগ রহা হ্যায় নয়া নয়ে তরহ সে লেকে যা রহা বিকজ হম লোগ তো কহিন ওর হি রুকতে থে। হ্যালো বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। मिस तो मैंने किया था बांग्लादेश को बोल सकते हो। देखो यार ये नेपाल इज़ डिफरेंट बट बांग्लादेश इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, इट हैज़ डिफरेंट वाइब्स। लुक एट द बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ एंड द मॉस्क, ये आपको इतनी प्योर फीलिंग देती है ना, उफ लिटरली आई मिस दिस प्लेस। मैं शिफ्ट हो गई हूँ और ये मेरा नया इंटर्न रूम है। अभी तक कुछ भी लिटरली नहीं मिलाया है, बस सामान इधर उधर ला के ऐसे वहीं पड़ा हुआ है। तो ये है हमारा इंटर्न रूम एंड मैं काफ़ी थक गई हूँ बिकॉज मैं ट्रैवल करी थी इतने दिन से, और ट्रैवल करते करते घर, घर से गो मैं काठमांडू, काठमांडू से गौर, गौर से लिटरली फिर वापस से काठमांडू, फिर वहाँ से फ्लाइट, फिर यहाँ, फिर सामान एंड एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप। तो आज फाइनली मैंने अपना सामान सब ला के रूम में रखा एंड हम बांग्लादेश में पहुँच चुके हैं। एंड कुछ दिन पहले तक, लिटरली 2 महीने पहले तक मैं स्टूडेंट थी और मैं हॉस्टल में थी और अलग थी चीज़ें, और आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो अलग हो गई हैं चीज़ें, लाइक इट इज़ एवरीथिंग वेरी डिफरेंट। क्योंकि मैं क्या बोल सकते हो, पहले स्टूडेंट थी, अब एज अ डॉक्टर ज्वाइन करा है, तो बहुत अलग चीज़ें हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ही है, बहुत ही अलग है। सो इट इज़ अ न्यू फीलिंग एंड आई एम लाइकिंग इट ऑल्सो, और न्यू अडेप्टेशन है क्योंकि एक ही माहौल में मैं लिटरली 5 साल से थी, अब हमारा माहौल भी थोड़ा चेंज हुआ है, सो आई एम लाइकिंग इट। और कल सुबह हमें बुलाया है बिकॉज हमारा रजिस्ट्रेशन का वो नंबर आ गया है, तो वी नीड टू गो एंड कलेक्ट दैट, तो हम वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। अब जिस दिन मेरी ड्यूटी होगी उसकी तो ब्लॉग अलग से आएगी ही। तो फाइनली मैं बहुत टायर्ड भी हूँ, खाना खाऊँगी और रेस्ट। तो हमारा हॉस्टल है ना, यहाँ से लिटरली हम इतना अच्छा व्यू देख पा रहे हैं, यू कैन सी
एंड यहाँ से मुझे आसमान भी नज़र आ रहा है जो कि पहले वाले हॉस्टल में नज़र नहीं आता था, तो व्यू भी अच्छी है और आसमान भी नज़र आ रहा है और मैं खुश हूँ बिकॉज हम अच्छे जगह पे हैं एंड आई एम लाइकिंग इट। तो अभी फ़िलहाल मेरा रूम पूरा स्टोर रूम के जैसा लग रहा है, यू नो आई नीड टू फिक्स एवरीथिंग आउट। यहाँ पे सब कुछ वैसे ही जस्ट रख के और जस्ट बेड मिलाया हल्का ताकि मैं सो सकूँ, एंड रूम के कलर भी ठीक ठाक है। तो अभी फ़िलहाल रूम की डेकोरेशन होगी यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पर मैं सोच रही हूँ वाइट पर्दा वगैरह लगाऊँ करके। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे देखो यही सी व्यू आ रही है, यू कैन सी द होल व्यू एंड शाम में इट इज़ सेक्सी सिटिंग हियर एंड आई लव इट। तो मुझे अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल के लिए मुझे अपना कबर्ड वगैरह सब मिलाना पड़ेगा, तो देखो तो आई एम डूइंग दिस। यहाँ पे मेरी कबर्ड है जो कि मेरी खुद की पर्सनल कबर्ड है, ये लोग नहीं देते, ये छोटी सा कबर्ड देते हैं जिसमें कुछ नहीं होने वाला। तो फाइनली चलो करते हैं काम। जब आप हॉस्टल में रहते हो ना तो आप सब कुछ सीख जाते हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, सेल्फ रिलायंस हो जाते हो। लेकिन घर पे आप चाहे कैसे भी रहो लेकिन बाहर आपको सब सिखा देता है, हालात आपको लिटरली सब सिखा देता है। तो बाकी की शिफ्टिंग मैंने आज कर ली है और आई नो कि ये बहुत हेल्दी फूड है, बट आज ही हम लैंड करें और सारा सामान मिलाया और अब बस रूम डेकोरेशन बाकी है। देखो अभी आधी आधी चीज़ें मैं लटका के रखी हूँ, रूम मेरा स्टोर रूम लग रहा है। सो यहाँ पे कुछ सजाऊंगी बजाऊंगी एंड देन रूम डेकोरेशन का वीडियो हम बाद में मिलाएंगे बिकॉज हमने रूम शिफ्ट करी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वन, बाय।